नोबिता का हाउस, नोबिता का स्कूल, डोरेमोन और नोबिता का प्लेग्राउंड, इवन फुजिको एफ फुजियो म्यूजियम। आज ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो डोरेमोन की रियल सिटी एग्जिस्ट करती है जापान में। एक तो हमारा फुजिको एफ फुजियो म्यूजियम हो गया, जहाँ पे तो काफी सारी चीजें डोरेमोन से रिलेटेड है। साथ ही साथ एक सिटी है टाकाओका, जहाँ पे काफी सारी चीजें डोरेमोन जैसी है। फिर चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले देखते हैं डोरेमोन का घर। वैसे तो जापान में काफी सारे घर जो होते हैं वो एक ही जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो सारे ही लकड़ी के बने हुए होते हैं। लेकिन आप इस वीडियो में देख भी सकते हो कि ये वाला घर कितना ज्यादा सिमिलर लग रहा है डोरेमोन के घर से। इवन ताकाओका, जहाँ पे फुजिको या फुजियो का जन्म हुआ था, जिन्होंने डोरेमोन को बनाया था, वहाँ पे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए काफी सारे घर और बहुत सारी चीजें डोरेमोन में जो दिखाई गई उससे सिमिलर बनाई गई है, ताकि लोगों को ऐसे ही लगे कि वो डोरेमोन की रियल सिटी में आ गए हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ये स्कूल कितना ज्यादा नोबिता के स्कूल से सिमिलर लग रहा है। क्या आपको भी जाना है जापान घूमने? मेरे को कमेंट में जरूर बताना भाई, मेरा तो बहुत ज्यादा मन है। ये तो भाई वो बिल्कुल सेम पार्क है जहाँ पे नोबिता हमेशा छुप जाता था जियान के डर से। इस वाले पार्क को देख के तो भाई बिल्कुल पुरानी यादें ताजा हो गई। यहाँ पे मैं कुछ और भी क्लिप्स अटैच कर देता हूँ डोरेमोन की सिटी ताकाओका की। इसके बाद हम लोग देखेंगे फुजिको या फुजियो म्यूजियम। ये रहा डोरेमोन का गाँव यानी की ताकाओका, जिसे देख के तो भाई सही में ऐसा लग रहा है की हम लोग डोरेमोन की दुनिया में ही आ गए हैं। यहाँ के घर और वाइब बिल्कुल डोरेमोन जैसी ही है। अगर आप भी चाहते हो की मैं भी जापान जाऊँ डोरेमोन से मिलने, तो प्लीज भाई इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक आप देखो डोरेमोन की दुनिया के बढ़िया बढ़िया सीन्स। चलो तो फिर फाइनली अब बात कर लेते हैं हम सभी लोगों के फेवरेट फुजिको एफ फुजियो म्यूजियम के बारे में। तो गाइस ये वाला म्यूजियम लोकेटेड है टोक्यो में, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर जगह है, और हमारे डोरेमोन और नोबिता दोनों ही इस सिटी के अंदर रहते थे एनीमे के अंदर। ये रहा हम लोगों के फुजिको एफ फुजियो म्यूजियम के अंदर नोबिता का घर, जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। वहाँ पे एक टैबलेट भी है जिसके अंदर से आप देख सकते हो कि नोबिता और डोरेमोन क्या कर रहे हैं। यार जापान तो सही में टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा आगे है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि डोरेमोन से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप डोरेमोन के फैन हो तो यार आपका तो ये फेवरेट जगह होगी। फुजिको या फुजियो म्यूजियम की टिकट सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए है, जो कि भाई जापान के हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा सही है। यहाँ पे आप परमैन कित्रेत्सु और निंजा हथौड़ी, इन सभी से रिलेटेड काफी सारी चीजें देख सकते हो, क्योंकि फुजिको या फुजियो ने ही इन तीनों एनिमे को बनाया था। इसलिए इस म्यूजियम में डोरेमोन के साथ साथ इन सब की चीजें जुड़ी हुई है। एट लास्ट हम लोग देख लेते डोरेमोन के जैसा बिल्कुल सिमिलर घर टोक्यो में, जिसे देख के आपको तो भाई सही में काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। ये होमस्टे आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा डोरेमोन के घर से सिमिलर लग रहा है। ये वीडियो मैंने प्रतीक जैन ब्लॉग के चैनल से ली, और यहाँ का आप फ्लोर भी देख सकते हो कि बिल्कुल नोबिता के फ्लोर जैसा है, बिल्कुल ही सेम लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोग नोबिता के ही रूम में आ गए हैं। इवन जो लैंप लगा हुआ उसमें भी देखो बिल्कुल सेम स्टाइल है, वही खींचने वाला जिससे लाइट बंद हो जाती थी। ये रूम मेरे को बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है जहाँ पे नोबिता की मम्मी हमेशा बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। वेल लेकिन अगर आपको डोरेमोन देखना काफी ज्यादा पसंद है तो आपको एक ये ऐप काफी ज्यादा पसंद आएगा, जिसका नाम है वियोन। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से बिना किसी कॉस्ट के डाउनलोड कर सकते हो, और ऑलरेडी 1 मिलियन से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं, तो आपको तो ये ऐप काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। ऊपर से इसमें डोरेमोन के अलावा शिनचैन, परमैन, कित्रेत्सु सारे एनिमे मिल जाते हैं। मतलब एनिमे फैंस के लिए तो भाई ये हेवन है ये ऐप। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ, क्या आपको भी शिनचैन, डोरेमोन, कित्रेत्सु जैसे मस्त मस्त कार्टून और एनिमे टीवी शोज देखने हैं, तो फिर वियोन ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से जाके। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। जितने भी यूट्यूबर्स की मैंने क्लिप्स ली है उन सभी यूट्यूबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। चलो फिर बाय बाय।